लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जानती हूँ रुद्रावतार हनुमान को समझाना इतना सहज कार्य नहीं है, किंतु आप इस बात को क्यों नहीं समझते? श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, उनके प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। परंतु माता, भोलेनाथ। देवाश्री, शांत। देवी, देवाश्री के चिंता का विषय ये नहीं है कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ दूसरा विवाह क्यों किया। इनकी चिंता का कारण तो हनुमान है। हाँ देवी, हनुमान। इन्हें भय है कि इनके प्रिय शिष्य हनुमान को यदि यह सब कुछ पता चला तो रुद्र अवतार हनुमान कहीं अपने रौद्र रूप में आकर कोई उत्पात ना मचा दे। और आप तो भली भांति जानती हैं देवी कि यदि हनुमान अपने रौद्र रूप में आ जाए तो उन्हें संभालना कितना कठिन होता है ना देवी? किंतु भोलेनाथ। देवर्षि, हनुमान की ये उद्विग्नता, उनकी श्री राम के प्रति अपार भक्ति एवं श्रद्धा के कारण है, किंतु श्री कृष्ण के कृत्यों को भी शंका की दृष्टि से देखना सर्वथा अनुचित है। देवर्षि, श्री कृष्ण कर्म योगी हैं, उनसे महान योगी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। सत्यभामा से दूसरा विवाह करना भी श्री कृष्ण की एक लीला है। उन्होंने संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे सांसारिक बंधनों में लिप्त होकर भी योगी रहा जा सकता है। देवर्षि, अब आप ठहरे बाल ब्रह्मचारी, हनुमान भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले। अब आप दोनों लीलावतार श्री कृष्ण की लीलाओं को कैसे समझ पाएंगे? नारायण नारायण। देखिए ना प्रभु, माता भी ठिठोली करने लगी। देवर्षि, आप चिंतित ना हो, शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब रुद्र अवतार हनुमान की सारी शंकाओं का समाधान स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। गरुड़ का अभिमान भंग करना ही होगा, किंतु किस प्रकार? क्या गरुड़ के अभिमान के कारण प्रभु श्री कृष्ण के आदेश को अनसुना करना उचित होगा? हां, सेवक यदि दुष्ट अथवा अयोग्य है तो इसमें मेरे प्रभु का भला क्या दोष? भगवान श्री कृष्ण तो भगवान राम के समान भगवान विष्णु के अवतार हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। मेरे द्वारिका ना पहुंचने से कहीं उन्हें दुख ना हो। हां, मुझे तुरंत उनके पास द्वारिका पहुंच जाना चाहिए। सुदर्शन, वो देखो, मैंने कहा था ना, हनुमान प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, वो चला आ रहा है। हनुमान की मृत्यु ही उसे यहां खींच लाई है, अब मैं ही उस पर पहला प्रहार करूंगा। सावधान, हनुमान भी कम मायावी नहीं है, हम दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं। नहीं गरुड़, ये मेरी शक्ति का निरादर है, उसे तो मैं अकेला ही समाप्त कर दूंगा। बस तुम देखते रहो। प्रिय सुदर्शन, क्या तुम भी मुझे द्वारिका ले जाने के लिए आए हो? नहीं, मैं अपने मित्र गरुड़ के अपमान का प्रतिशोध लेने आया हूं। तो तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो?
यदि तुम में मुझसे युद्ध करने की शक्ति नहीं है तो तुम ये सत्य स्वीकार कर लो और गरुड़ से क्षमा मांग लो। मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। अर्थात तुम्हें भी अपने बल पर घमंड हो गया है सुदर्शन। यदि तुम भगवान विष्णु के प्रिय सेवक ना होते तो मैं तुम्हें इसी समय समाप्त कर देता। बड़े वाचाल हो हनुमान। अपनी निर्बलता को स्वीकार करने की अपेक्षा भगवान विष्णु की ओट लेकर अपना जीवन बचाना चाहते हो। तुम मेरा बल देखना चाहते हो सुदर्शन, तो आगे बढ़ो और करो मुझ पर आक्रमण। मैं तुम्हें अपने बल का परिचय दूंगा। वानर, तो ले संभाल मेरा प्रहार। जीवित नहीं बचेगा। या और कर लो, और करो प्रयास, अपने आप को मुक्त करने का और प्रयास करो, करो। ये हनुमान की पूंछ का बंधन है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम दोनों भगवान विष्णु के प्रिय सेवक हो, इसीलिए मैं तुम दोनों का वध नहीं करना चाहता, परंतु तुम दोनों की धृष्टता और अहंकार से विवश होकर मुझे तुम दोनों को इस दशा में लाना पड़ा। अब बताओ तुम दोनों को किस प्रकार दंडित किया जाए? हाँ बताओ, बताओ बताओ। हनुमान जी, हमें मुक्त कर दीजिए, हम अपने किए पर बहुत लज्जित हैं। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया था। अपनी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर हम आपका अपमान कर बैठे। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमें हमें क्षमा कर दीजिए।
जय श्री राम। देवी सत्यभामा, आप क्यों उदास हैं? आपकी इच्छा पूर्ति का समय अब निकट आ गया है। आपकी परीक्षा का समय अब आ गया है। महारानी सत्यभामा, आज हम आपको महादेवी लक्ष्मी का रूप प्रदान करेंगे और संपूर्ण सभासदों के समक्ष स्वयं रुद्रावतार हनुमान आपकी परीक्षा लेने आएंगे। किंतु स्वामी, अब प्रश्न कैसा? यदि हनुमान वास्तविक लक्ष्मी की पहचान कर लेंगे, तब हम ये मान लेंगे कि आप भी देवी लक्ष्मी का रूप और व्यक्तित्व धारण करने की अधिकारिणी है। स्वामी, मैं तो ये कहना चाहती हूं कि हनुमान जी के पास तो दिव्य दृष्टि है, वो तो देखते ही पहचान जाएंगे। ये तो सत्य है, इस पर तो हमने विचार ही नहीं किया। स्वामी, आप हनुमान से कहिए वो परीक्षा में दिव्य दृष्टि का प्रयोग ना करें, तभी तो परीक्षा की पूर्णता सिद्ध होगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो ठीक है ना सत्यभामा? सत्यभामा, देवी लक्ष्मी का रूप धारण करने की तुम्हारी प्रबल इच्छा का हम स्वागत करते हैं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब तो ये उदासी छोड़ दो। दीदी, मैं उदास इसलिए हूं कि कहीं मेरी इस इच्छा ने आपके हृदय को तो आहत नहीं किया? नहीं सत्यभामा, तुम इस परीक्षा में सफल रहो या ना रहो, किंतु मेरे हृदय में सदैव रहोगी। दीदी, आपने तो मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। प्रभु गरुड़ देव और सुदर्शन देव पधारे हैं। हनुमान जी आ गए। हनुमान, आपको कैसे पता चला? गरुड़ और सुदर्शन विशेष अधिकार प्राप्त करने के कारण अहंकारी हो गए थे। उन दोनों के गर्व का खंडन भी हनुमान को करना था। अर्थात
हनुमान जी एवं गरुड़ और सुदर्शन के मध्य? हाँ देवी, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, उनका गर्व खंडित हो चुका है। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हाँ प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर। गरुड़, सुदर्शन, इसका अर्थ है कि रुद्र अवतार हनुमान ने तुम दोनों को क्षमा कर दिया। जब हमारे भक्त ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो भगवान को तो करना ही पड़ेगा ना। उठो। हनुमान, प्रिय हनुमान, अब आप भी आ जाइए। महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की, महावीर हनुमान की। प्रभु, जय श्री राम। प्रभु, आप और इस रूप में क्या कोई विशेष प्रयोजन है प्रभु? हाँ हनुमान, आज हमने तुम्हें यहाँ पर एक विशेष आयोजन के लिए आमंत्रित किया है। आज तुम्हें सत्य और असत्य की परीक्षा करनी होगी। सत्य असत्य की परीक्षा? कैसा सत्य प्रभु, कैसी परीक्षा? अभी समझ में आ जाएगा हनुमान, किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का प्रभु? यही कि इस सत्य और असत्य की परीक्षा में तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करोगे। जैसी आज्ञा प्रभु। स्वयंभरा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, प्रभु ये आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? हनुमान, शांत शांत हो जाओ हनुमान, प्रतीक्षा करो, देखो। माँ देवी लक्ष्मी की, माँ देवी लक्ष्मी की, माँ देवी लक्ष्मी की, बोलो माँ देवी लक्ष्मी की, 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 माँ देवी लक्ष्मी की।